हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और अभी हम अभी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत सारी चीज़ों से अपडेट कराते रहें आपको। सुख दुख में आप लोग हमारे साथ रहते हैं, तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि मैंने शायद एक वीडियो में बताया था आपको कि हमें अम्बिलिकल हर्निया की शिकायत है। मतलब जो नाभि होती, नाभि के पास में थोड़ा सा फैट जो है अंदर से निकल आया है। तो आज थर्ड टाइम है कि KGMU में आया हूँ यहाँ पे, और दिखाने के लिए स्पेशली आया था। तो पहली बार जो डॉक्टर ने बोला था वेट कम करने के लिए, और वेट का चार्ट बना करके दिया था, और उससे एक महीने बाद अभी चौदह नवंबर को आए थे, और आज होगी आपकी 17 दिसंबर हो गया, मतलब 14 एक महीने के थोड़ा ज़्यादा हुआ है। वेट हमने 6 किलो कम कर लिया है। उन्होंने 10 किलो वेट कम करने के लिए कहा, तो 6 किलो वेट हमने घटा लिया है, और बड़ी अच्छी बात है। तो अभी और भी अभी दोबारा मतलब एक दिन और बीच में आए थे, हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया था, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ गई है। वो तो कंफर्म हो गया कि अम्बिलिकल हर्निया है, और नाभि के पास में थोड़ा सा जो है चर्बी है वो बाहर मतलब अंदर से पेट के अंदर से आ रही है। वो शायद पर्दे वर्दे झिल्ली जो होते हैं ना, थोड़ा सा उसमें होल हो गया है, तो उसका शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर से आज भी बात हुई है, बोले कि अभी 1-2 महीना आप रुक जाओ, वेट को और घटाओ, क्योंकि आपके पेट पर चर्बी बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है, और जितनी चर्बी कम होगी ऑपरेशन उतना सक्सेसफुल होगा, सफल होगा। तो अभी 1-2 महीने फिर मैं आऊँगा दोबारा दिखाने के लिए, वेट घटाने के लिए कहा है। और दोनों मेथड हैं, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक भी है। लेप्रोस्कोपिक थोड़ा महंगा बैठता है, कुछ 25,000 रुपये कुछ उसमें बता रही थी लगेगा, कुछ खर्चा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है वो तो भाई कराना ही कराना है, मजबूरी है। और उन्होंने ये भी कहा, मैंने पूछा कि क्या अपने आप भी ठीक हो सकता है क्या? नहीं, बोले नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई, ऑपरेशन के सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। तो अभी तो वाइफ का ही मैं देखता था कि दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए, तो चलो उन्हीं का ऑपरेशन देखता था, मेरा भी एक ऑपरेशन होगा। तो ये सारी स्थितियाँ हैं फिलहाल, कोई वैसे डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। पर KGMU में इलाज और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे जांचें वगैरह सब बड़ी अच्छी से हो जाती, पर यह है कि दौड़ना भागना बहुत पड़ता है। अगर आप आसपास रहते हैं और दौड़ भाग कर सकते हैं, तो चीज़ें जो है बड़ी जल्दी हो जाती हैं, और सारे सिस्टमेटिक वे से होता है। जल्दबाजी चाहेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये सारी चीज़ें आसान है। और अभी मैं ये पीछे जो है, ये फार्मेसी है पीछे, ये जो यहाँ फार्मेसी के इसी के सामने खड़ा हूँ, और इधर साइड को पीछे साइड को पुलिस चौकी है, और पीछे जाएंगे तो PD बिल्डिंग थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी। तो अब यहाँ से फिलहाल मुझे निकलना है, अब निकलते हैं, देखते हैं थोड़ा लखनऊ घूमते घामते हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपडेट आप लोगों को देते हैं, और दिखा लिया है आज, बहुत जल्दी हो गया। वैसे लाइन बहुत लगती है, अल्ट्रासाउंड कराने आए थे तो सुबह बिना खाए पिए, और शाम को 4 बजे अल्ट्रासाउंड हुआ था, घर पर रात को 8 बजे पहुँचे थे, तो मशीन ख़राब थी उस समय, तो थोड़ा दिक्कत हो गई। फिलहाल चलो ये सब होता है सरकारी हॉस्पिटल में जो है, लेट लतीफ़ होता है। पर यह है कि ट्रीटमेंट अगर मतलब कोई बीमारी है, तो मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट, अगर आपके पास समय है, मौका है, तो आप जो है मेडिकल कॉलेज में दिखाएं, और चीज़ें बहुत अच्छी से यहाँ पे जो है हैंडल हो जाती है। ओके, ये PRO की ऑफिस है पीछे, और मैंने दिखा लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। इच्छा तो यह है कि आज लखनऊ महोत्सव भी घूम लेते हैं, छुट्टी लिया ही है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए चलते हैं, लखनऊ महोत्सव घूमते हैं। ये वाला वीडियो हम समाप्त करते हैं, अगर कोई क्वेरी हो किसी को तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।